तो लाइफ एंड साइंस का पहला जो न्यूज़ है ये है सैटन टिल्टिंग एक्सेस तो आ, देखा क्या गया है ये एक नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च एक इंस्टीट्यूट uh, है ये देखा है कि जो नेचुरल uh, जो साटन है साटन जो है वो uh, जो उसका रोटेशन का एक्सेस है वो टिल्ट हो रहा है तो फिर ये पाया गया मतलब ये रिपोर्ट आई यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से कि वो रिपोर्ट किया कि ये जो आ, साटन जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वो अपने सैटेलाइट के माइग्रेशन की वजह से स्पेशली जो उसका सैटेलाइट है जो लार्जेस्ट मून उसका है टाइटन उसके माइग्रेशन की वजह से वो क्या हो रहा है ग्रेजुअली टिल्ट कर रहा है ठीक है और आ, ये क्या है मतलब ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि ये आ, कुछ बिलियंस ईयर्स लगेगा लेकिन अभी देख रहे हैं कि जो इंक्लिनेशन है वो मोर देन डबल हो गया है और बहुत फास्ट रेट में हो रहा है तो इसके पीछे एक ही रीजन uh, वो बता रहे हैं क्योंकि उसका जो अच्छा हम लोग जानते हैं कि uh, जो मून है और जो दो ऑब्जेक्ट है ऑब्वियस है बात है दो ऑब्जेक्ट दो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल वो पुल uh, uh, रहता है तो वो उसके uh, दूर जाने की वजह से वो टिल्ट हो रहा है वो जो कॉम्पैक्टली जो पैक्ट होगा वो इफेक्ट कर रहा होगा जिसके कारण वो टेल्ट हो रहा है तो इसमें पढ़ लेना अभी देखा गया है कि अभी जो इंक्लिनेशन है ट्वेंटी सेवन डिग्री हो गया है तो अभी आगे क्या आएगा मतलब कितना टेल्ट करेगा वो देखते हैं आगे एक है स्क्वायर किलोमीटर अरे तो ये क्या है स्क्वायर किलोमीटर अरे ये आ, एक ऑब्जर्वेटरी है ये स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है तो इसका काम क्या है रेडियो एस्ट्रोनॉमी ठीक है इसका हेडकोर्टर यूके में है और ये करेगा क्या तो ये टेलीस्कोप क्या करेगा इस मतलब ये uh, एक सिंगल टेलीस्कोप uh, नहीं है इसमें अरे है एंटीनास का बहुत स्ट्रैटिकली uh, डिज़ाइन है जो कि सेट होगा साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में और जो जिस जो कंट्रोल किया जाएगा यूके से ठीक है और इसमें और भी कंट्रीज uh, जो है वो है और इसका uh, जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है तो मतलब ये जो अरे uh, है स्क्वायर किलोमीटर अरे ये रेडियो वेव्स को कैप्चर करेगा और इससे क्या है मतलब रेडियो वेब्स uh, से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है तो इससे uh, इसमें ये भी है जैसे कि जो कॉस्मिक डस्ट से जो जो भी आ, एरिया या फिर कुछ भी इनविजिबल कुछ भी आ, जो इनविजिबल है क्यों क्योंकि वो डस्ट से ढक गए हैं तो वो रेडियो सिग्नल्स के द्वारा उसका पता लगा सकता है और फिर क्या है कि जो यूनिवर्स में और भी ऑब्जेक्ट्स है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है उसको एक्सप्लोर करेगा फिर बोल रहे हैं कि इससे हम लोग को और भी फायदा है कि इससे हम लोग यूनिवर्स ओरिजिन कहाँ से हुआ वो पता लगा सकते हैं फिर उसके बाद और क्या है अदर प्लान अगर है तो वो फिर आ, और भी जैसे कि asteroids, आ, का वो सारा कुछ पता लगाएगा फिर ठीक है फिर इसमें और भी है कि फर्स्ट पल्सर मिली सेकेंड पल्सर भी इसमें आ, देखा गया था फिर आ, ये रेडियो वेव्स ऑब्जर्वेटरी से मतलब इतना पहले भी ऐसा हुआ है कि एक सिंगल डिस्क रेडियो वेव टेलीस्कोप था जो कि प्यूटोरिको में था तो उससे बहुत सारा काम लिया गया है जिससे कि गैलेक्सीज के बारे में फर्स्ट एक्सो उसी से पता चला था तो ये भी वही काम करेगा तो इसका ये आया है कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन है तो ये है ऑस्ट्रेलिया कनाडा, चाइना ऑस्ट्रेलिया कनाडा, चाइना इंडिया इटली न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका स्वीडन नीदरलैंड एंड यूके यूएस नहीं है इसमें ठीक है और इसमें इंडिया जो पार्टिसिपेटिंग है ये इसका जो डिपार्टमेंट है ये सब याद रखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है और और भी बहुत है पीनो पुणे बेस्ड टी आई एफ एफ आर भी है नेशनल सेंटर जो रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स का है फिर उसके बाद आ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फिर उसके बाद आईआईटी कानपुर खरगपुर इंदौर आ, टाटा टी आई एफ आर वही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड हैं और इसमें एक अच्छा बात ये है कि जो इंडिया का जो टीम है वो फर्स्ट था जो कि सबमिट किया था एक डिज़ाइन जो कि टेलीस्कोप मैनेजर मतलब बोलते हैं उसका नर्वस सिस्टम वो जो सिस्टम है उसका नर्वस सिस्टम इंडिया डिज़ाइन किया और है और इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा जो डिजिटल हार्डवेयर बनाने में और लो फ्रिक्वेंसी रिसीवर सिस्टम बनाने में और फिर मिड फ्रिक्वेंसी टेलीस्कोप और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स ये सब बनाने में इंडिया है, वो उसको ये कंट्रीब्यूट करने वाला है और ये रेडियो टेलीस्कोप के बारे में बता ही दिए कि ये इनविजिबल गैसेस जो कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं दिखता है ये इससे देखने में आसानी होगा फिर और भी है कि फर्स्ट रेडियो सिग्नल कब डिटेक्ट किया गया था तो वो फिजिसिस्ट थे कार्ल जेन्स की जो रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किए थे नाइनटीन में और आ, उसके बाद आ, और एस्ट्रोनॉमर uh, मतलब यूज़ किए टेलीस्कोप को रेडियो uh, वेव्स uh, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स वो उसको एक्सप्लोर करने में तो ये आगे पढ़ लेना और क्या है कि ये जो एस के ए है ये uh, जो प्रपोज़ किया गया है कि लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड होगा और इसको लोकेट किया गया जाएगा हम बता दिए पहले ही अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में फिर आ, और भी है कि इससे पॉसिबिलिटी हम बता ही दिए कि यूनिवर्स का गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आ रहे हैं इसके बारे में एक्सप्लोर किया जा सकेगा फिर लाइफ साइकिल ऑफ गैलेक्सी के बारे में एक्सप्लोर किया जा सक सकेगा फिर उसके बाद क्या है फर्स्ट स्टार कब बॉर्न हुआ उसके बारे में जाना जा सकेगा तो इसी के बारे में इसको अच्छे से पढ़ना और जो इसका डेटा है उसको याद करोगे क्योंकि अब जेपीएससी में डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो इसीलिए डेटा याद रखोगे जैसे फर्स्ट रेडियो वेव कब डिटेक्ट हुआ कौन डिटेक्ट किया इस तरह से ठीक है आगे एक है भव्या द इंडियन अमेरिकन उसको नासा का एक्टिंग चीफ स्टाफ बनाया गया है तो उसी के लिए न्यूज़ है अब आते हैं एक ये ये जो आर्टिकल है ओशंस के बारे में द वॉल्यूम इज़ राइजिंग लाइक नेवर बिफोर तो वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर का नहीं है वॉल्यूम मतलब कि नॉइज़ के बारे में बोल रहा है ठीक है तो ये देखा गया है कि ओशन में जो है नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम पहले थोड़ा क्वेश्चन पूछें अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है ओशन में तो इससे कोई नुकसान है क्या एनी वन कोई नहीं तूफा मेरा गैस ही कर लो गैस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ तूफान मतलब जो जीव जंतु रह रहे हैं उन लोग के लिए नुकसान होगा वो तो नुकसान के लिए। हाँ तो वो तो ठीक है अच्छा मीरा कुछ बोल पाओगी क्या कि जीव जंतु मरीन एनिमल्स ठीक है तो कैसे नुकसान होगा पोल्यूशन के कारण पोल्यूशन तो न, मतलब हम यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन का बात कर रहे हैं तो नॉइज पोल्यूशन से कैसे नुकसान होगा अच्छा हम यहाँ पे बता दें जैसे बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स है ना वो वॉइस से कम्युनिकेट करते हैं ठीक है इवन वॉइस से जैसे याद करो आ, जो वेल्स है वो एक दूसरे को आ, जो कम्युनिकेट करते हैं वॉइस से करते हैं प्लस उसके बाद इवन वो जो माइ ओशन में जो इधर से उधर जाते हैं वो आ, सोनार वो सबका यूज करके जाते हैं ताकि वो क्या है सोनार यूज करते हैं बहुत सारे मरीन एनिमल्स क्यों क्योंकि ताकि उन लोग जो डिस्टेंस है जैसे आइसबर्गस है वो सब है उससे डिस्टेंस पता कर सके और ये ऐसा ना हो कि टकरा जाए तो इससे क्या होगा जो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बोल रहे हैं वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है वॉल्यूम बढ़, बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग का शिप जा रहा है सिस्मिक सर्वेस हो रहा है जैसे एयर गन्स छोड़ा जा रहा है मतलब डाइवर्स है फिर डायनामाइट फिशिंग हो रहा है ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स है शिप स्पीड बोट्स है Uh, मतलब जो सर्फिंग कर रहे हैं तो ये सब के कारण क्या है ना अनबेरेबल नॉइज मरीन लाइफ में वो आ, uh, हो रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो ओशन uh, है उसमें uh, जैसे ह्यूमन बीइंग के कारण जो नॉइज बढ़ रहा है इसीलिए एंथ्रोपोजेनिक ओशन नॉइज बोल रहे हैं उसको क्योंकि ह्यूमन बीइंग कर रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो मरीन uh, एनिमल्स है उन लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है क्यों क्योंकि Uh, देखा जाए तो उन लोगों का डायरेक्शन वो uh, वॉइस के कारण वो मतलब उन लोग आवाज़ सुन करके न, वो करते हैं मतलब डायरेक्शन अपना uh, डिसाइड करते हैं प्लस क्या है जो uh, जैसे और भी है जैसे कि uh, ये है uh, है वो अपना यूनिक मतलब एक दूसरे को यूनिक नेम से पुकारते हैं फिर टोडफिश है वो हम करता है फिर बेर्डर्ड स्टील है वो ट्रिल करता है ट्रिल करके वो दूसरे को बुलाता है वेल्स है जो गाते हैं, ये हम लोग देखे थे न्यूज में तो ये सब क्या है ये सब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और इवन क्या है इसमें आया है इस जो न्यूज आया है वो आया है क्लाउन फिश के बारे में तो क्लाउन फिश क्या हो रहा है कि ओशंस में वो आ, जैसे उनका बोल रहे हैं कि वो ऐसे uh, तो रीफ्स में पाए जाते हैं लेकिन वो क्या है सी, uh, सी के बीच में आ जाते हैं वो uh, जैसे ओशनिक जो स्प्रिंग है उसके कारण वो ड्रिफ्ट होकर के ओशन के बीच में आ जाते हैं लेकिन फिर वो आवाज़ सुन करके ही साउंडस्केप के द्वारा जो uh, लार्वा जो है वो फिश का वो साउंडस्केप के द्वारा वापस अपने रीफ में चले जाते हैं तो अगर साउंड डिस्ट्रैक्ट होगा किसी और का साउंड होगा या फिर जो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स जो जनरेट करते हैं साउंड अगर वैसा साउंड होगा तो वो लोग क्या होगा कि अपने जो रीफ में वो नहीं जा पाएंगे और वहीं पे उनका होल ऑफ द लाइफ उसी पर डिपेंडेंट होता है तो फिर वो इफेक्ट होगा तो इससे बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट होगा तो यही आया है कि जो ओशन uh, नॉइज uh, है वो अनबेरेबली बढ़ रहा है और वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण तो इसी के बारे में न्यूज है ठीक है पढ़ना बाकी बाकी जगह का सबका दिया हुआ है कि कैसे वो जू पारे जेलीफिश सब अफेक्टेड हो रहे हैं ठीक है मतलब इन लोगों को जाना है कहीं और चले जाते हैं कहीं और जिसके कारण वो उनका डेथ मतलब उन मतलब धीरे धीरे उनका डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है आगे एक है गूगल एग्जिट थ्रेट तो गूगल को लेकर के और फेसबुक को लेकर के एक न्यूज़ था क्या न्यूज़ था हम लोग बहुत बार देखे वो सर क्लास में भी बहुत बार पूछे हाँ तूफा बोलो वो स्नाइपर शो करने को लेके न्यूज था मतलब फेसबुक और गूगल पे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट मतलब केस की थी स्नाइपर्स दिखाने को लेकर मतलब न्यूज कंटेंट ठीक है न्यूज कंटेंट हाँ, न्यूज की उन लोगों को जो न्यूज कंटेंट उन लोग दिखाते हैं जो लिंक वो दिखाते हैं उन लोगों को उसके लिए जो पब्लिकेशन है जो ड्राफ्ट किया है उन लोगों को वो पैसा देना चाहिए मतलब जो गूगल और फेसबुक uh, है प्लेटफॉर्म तो इसी को लेके पहले भी ये न्यूज़ आया है तो इसमें ये बात आया है कि जो ऑस्ट्रेलियन कम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर कमीशन है वो रेगुलेट की है कि इससे जो मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म है ये दोनों को का फंडामेंटल इंबैलेंस को वो ठीक करना है और क्या है ये बोली है कि जो दोनों के बीच में बार्गिन करके और दोनों न्यूज़ मीडिया और जो ये प्लेटफॉर्म है गूगल और फेसबुक ये दोनों अपना बार्गेन करके अपना डिसाइड कर ले और ये मतलब देना ही है इस तरह का मैंडेटरी जो ये है वो देना ही है, देना ही है वैसा लॉ बना ही है तो फिर उसके बाद बहुत सारा बात आया है कि गूगल और फेसबुक ये रिगार्डिंग पेमेंट बोला है कि वो नेगोशिएट करने के लिए लेकिन ये भी बात बोला है कि अगर बहुत हार्ड ये होगा तो हम ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ मतलब नहीं दिखाएंगे तो जैसे पहले ये हुआ था कि पहले का भी कुछ कुछ न्यूज़ है कि आ, पहले का न्यूज़ ये है कि गूगल और फेसबुक पहले भी आ, इसका चाइना का सॉरी स्पेन का जो न्यूज़ सर्विस है उसको शट कर दिया था फिर उसके बाद आ, उसके बाद फ्रांस का भी एक जो चाइनीज सर्च इंजन था उसको भी शट कर दिया था फिर उसके बाद फ्रांस में भी ऐसा हुआ था तो वही बोला कि ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ नहीं दिखाएंगे तो इस लॉ के बारे में और भी है कि लॉ का डिटेल्स दिया हुआ है कि ये जो अगर नहीं देते हैं अग्रीमेंट नहीं होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म और ये जो न्यूज़ मीडिया के बीच में पैसा को लेके अगर नहीं होता है तो फोर्टीन डेज का नोटिस दिया जाएगा जो पब्लिशर है जो एल्गोरिदम सेट करेगा ये जो न्यूज़ दिखाने का और फिर उसके बाद उस पर जो भी हो एक्शंस लिया जाए तो ये पढ़ लेना ये तो पहले से ही सर पढ़ वो बताते आए हैं तो उसी के बारे में दिया हुआ है वो वही बोला गूगल बोला कि आ, आ, अगर ज़्यादा ये होगा लाइसेंसिंग जो भी अरेंजमेंट है तो फिर हम दिखाना बंद करेंगे तो आगे देखें क्या होता है नेक्स्ट ये कोविड uh, वेरिएंट का बात आया है तो ये दिखाया है कि साउथ अफ्रीकन जो कोविड वेरिएंट है वो ज़्यादा uh, चिंता का uh, मतलब उस पर ज़्यादा चिंता करने का uh, मतलब चिंता जताया गया है क्यों क्योंकि uh, ये बोला है कि अच्छा पहले से आते हैं डब्ल्यू एच आइडेंटिफाई किया है थ्री न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस जो कि यूके ब्राज़ील और अब साउथ अफ्रीका में जो लेटेस्ट जो साउथ अफ्रीकन वेरियंट है जिसका नाम है ये है अलग ही नाम है ये है ट्वेंटी एच फाइव जीरो डिफरेंट है जो ब्रिटेन और ब्रिटेन से अलग ब्रिटेन का हम लोग देखे थे हाईली इंफेक्शियस है तो ये उससे भी ज्यादा इन्फेक्शियस है और ओरिजिनल वायरस से भी ज्यादा इन्फेक्शियस है तो इसी का बात आया साउथ अफ्रीका का जो म्यूटेशन है इसको बोला गया है एन फाइव जीरो वन वाई और ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस है और बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है तो ये और ये भी बात बोल रहा है कि ये जो एंटीबॉडी है जो अभी जो पुराने वायरस के कारण बना है उसके लिए लेस सबल है टू एनी एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन मतलब उससे वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है ठीक है तो इस वॉल स्ट्रीट जर्नरल में भी ये um, आया है मतलब ये बोल रहा है कि न्यू स्ट्रेन जो है फिफ्टी परसेंट मोर कंटेजियस देन प्रीवियस वेरिएंट्स तो देखे वही देखा जाए कि इन साउथ अफ्रीका में री इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो कि साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा वरी है इसको लेकर के और ये भी बोल रहे हैं कि जो ये लार्ज म्यूटेशन हुआ है ये स्पेशली uh, जो uh, उसका स्पाइक प्रोटीन में हुआ है जो कि वायरस uh, जो यूज़ करता है एंट्री करने के लिए तो उसका स्पाइक प्रोटीन में ही म्यूटेशन uh, हुआ है तो यही बोला गया है कि अब देखिए इसका क्या और इस बोल रहा है कि ये जो है कि वायरस का जो ये म्यूटेशन है ये इम्यून सिस्टम को तो पर करेगा ही वो तो अलग बात है लेकिन ये जो एफेक्टिवनेस है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन का उसको भी पर करेगा अब देखते हैं कि किस तरह से न्यू जो स्ट्रेन है वो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो उससे ये पता चल रहा है कि ये एफिशिएंसी जो वैक्सीन का है वो डिक्रीज़ किया है मतलब एफिशिएंसी का मतलब इस वेरिएंट के कारण तो देखते हैं आगे क्या होगा तो अभी तो यही न्यूज आया है इसका जो अनदर uh, म्यूटेशन जो भी म्यूटेशन का वेरियंट है ये याद कर लोगे साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन वेरियंट का जो ई फोर्टी एट फोर के बोला गया है और ये यूके का स्ट्रेन नहीं है यूके का हम लोग पहले ही पढ़े थे कि यूके में उसी के चलते वो लॉकडाउन का बात हो रहा था कि यूके में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो उससे भी ज्यादा इन्फेक्शन साउथ अफ्रीका में देखा गया है ठीक है फिर नेक्स्ट न्यूज है किसको किसको कोविड नाइन्टीन का वैक्सीन नहीं लेना चाहिए ठीक है तो पहला बात है अच्छा पहले पूछ ले थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा एक बात बताओ जैसे हम लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड का बात किए तो कोवैक्सीन जैसे पहला शॉट लिए कोवैक्सीन का तो उसके साथ साथ कोविशील्ड ले सकते हैं क्या दूसरा डोज में कोई भी हाँ तूफा बोलो नहीं एक ही वैक्सीन तो पहले वर्क करेगा तो, ज़्यादा मतलब ये तो तो जायज सा दोनों वैक्सीन मिला के नहीं लेना है ये ये सारा इसमें दिया हुआ है बता दे ए, एक एक करके बता दे इसमें बोला गया है कि मतलब एक एक करके आते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है कि आ, वैक्सीन किसको किसको नहीं लेना चाहिए और किन किन एलिमेंट्स के साथ ये वैक्सीन ज्यादा डेंजरस हो सकता है तो पहले बोला है कि जो शॉर्ट्स होंगे वो जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग होगा उन्हीं लोगों को देना है मतलब 18 साल से नीचे के लोगों को शॉर्ट्स नहीं देना है मतलब शॉर्ट मतलब वैक्सीन का जो डोज है फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ये भी बोली है कि आइडियल गैप होना चाहिए फोर्टीन डेज का मतलब दो शॉर्ट के बीच में फोर्टीन डेज का गैप होना चाहिए फिर और भी क्या वैक्सीन को इंटरचेंज नहीं करना है मतलब जैसे अगर पहला शॉट कोविशील्ड का लिए तो दूसरा शॉट भी फोर्टीन डेज कम से कम फोर्टीन डेज बाद कोविशील्ड का ही लेना है आ, को वैक्सीन का नहीं मतलब चेंज नहीं करना है वैक्सीन फिर उसके बाद ये भी बोला है कि आ, जो वैक्सीन है उसको आ, मतलब वो पहले एडमिनिस्टर करना चाहिए वैसा पर्सन के लिए जिसका हिस्ट्री रहा है ब्लीडिंग का या कोगुलेशन डिसऑर्डर तो कोई बोलेगा ब्लीडिंग और कोगुलेशन डिजॉर्डर क्या है ब्लीडिंग डिजॉर्डर क्या है कोगुलेशन डिजॉर्डर क्या है ये अतुफा नेहा मीरा सब बोल सकोगे आकांक्षा भी बोल सकते हो हाँ तूफा बोलो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है ब्लड क्लॉटिंग से कौन सा coagulation. Coagulation. हाँ, सही है. और ब्लीडिंग एक ही ये है कि जैसे कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा है ठीक है तो वो जैसे अगर कहीं कट हुआ तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकता है और दूसरा है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता जिसके कारण तो कोगुलेशन और वो मतलब दोनों ही सेम है मतलब उस थोड़ा सा डिफरेंट है तो क्या है एनी ब्लीडिंग और कोगुलेशन डिसऑर्डर अगर किसी को है Uh, तो ये डिसऑर्डर होता क्यों है तो ये तो क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी अच्छा क्लॉटिंग के लिए कौन सा आ, आ, ये जरूरी है प्रोटीन हाँ मीरा बोलो। विटामिन के हाँ के तो विटामिन के और, और कोई कुछ विटामिन के हाँ ठीक है हेपरिन हां हेपरी ठीक है वो और फिर उसके बाद ये हम लोगों को पता है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स डिसऑर्डर भी होता है प्लेटलेट्स आ, मतलब अगर प्लेटलेट्स कम हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है ठीक है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है तो ये ये डिसऑर्डर जिसको है तो इसको आ, मतलब एडमिनिस्टर करने का जरूरत है क्योंकि वैक्सीन इज सेफ फॉर पीपल फॉर ब्लड थिनर्स उन लोगों के लिए सेफ है लेकिन अगर जो आ, आ, जैसे एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोगुलेंट्स जो भी कैटेगरी है तो उसमें बोला गया है कि आ, जो जैसे एस्पिरिन ये एंटी प्लेटलेट्स है ये ब्लड को पतला करता है ठीक है लेकिन जो कोगुलेंट्स है उन लोगों का टेंडेंसी रहेगा कि वो ज्यादा ब्लीड करने लगे ठीक है मच हायर ब्लीडिंग टेंडेंसी उन लोगों का मच हायर होता है तो इसीलिए एडमिनिस्टर करने का ज़रूरत है इसको अच्छे से पढ़ना फिर और क्या है ये बोला गया है कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं देना है ठीक है क्यों क्योंकि हो सकता है कि वो आ, एलर्जिक हो या फिर उससे बच्चा को नुकसान पहुंचे फिर क्या है ये भी बोला गया है कि अगर जिसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए फर्स्ट डोज के बाद वो इमीडिएटली मतलब वो सेकेंड डोज ना ले ठीक है या वो डिलेड भी ना ले वो पहले देखे कि क्या उस पर सिम्टम्स को डेवलप होने दें और फिर उसके बाद कम से कम फोर टू एट वीक्स अगर रिकवरी हो गया है उस रिकवरी के बाद फोर टू एट वीक्स के बाद वो वैक्सीन ले फिर उसके बाद ये भी बोला गया है कि ये जो को टू पेशेंट्स जो है जो लोग जो जिन जिनका क्या है कि एंटी सार्सकोव टू मोनोकोनल एंटीबॉडीज या कोवालेसेंट uh, प्लाज्मा uh, जो उन लोगों को ये दिया गया है तो उन लोगों का भी बोला गया है कि उन लोगों को uh, जो एक्टिव सिम्टम्स है मतलब सिंपल बोलने का मतलब जिनमें एक्टिव सिम्टम्स है उन लोगों को भी पूरा रिकवर करने का कुछ वीक्स के बाद ही वैक्सीन मतलब फोर टू एट वीक्स के बाद ही रिकवरी का उन लोगों को वैक्सीन uh, मतलब लेना चाहिए तो ये 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 सारा इम्पोर्टेंट जो बात है जो कि वैक्सीन को लेकर के एडमिनिस्टर करने का जरूरत है और ये भी है कि अगर कोई जिसको वैक्सीन मिल रहा है और अगर उसका सीरियस एडवर्स ऑब्वियस है सीरियस एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो इमीडिएटली उसका प्रोसेस को रोक देना है इन्हें कि हाँ दूसरा डोज में वो ठीक हो जाएगा वैसा नहीं करना है तो ये सब इससे रिलेटेड वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ था अब आते हैं नेशनल न्यूज़ जो बचा रह गया था वो हम लोग का तो ये एक इसराइल एम्बेसी के बगल में एक आ, जो एक्सप्लोजन हुआ है तो ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसका बहुत सारा इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है तो इसमें यह भी आया है कि आ, कोई एक इंग्लिश में एक, एक, एक लेटर लिख करके भेजा बोला है कि ये जो मतलब अपने आप को बोला है कि हम सराला है, इंडिया हेज बोला है जो आम, हम क्यों किए हैं ये हम ही एक्सप्लोजन किए हैं और हम क्यों किए हैं क्योंकि जो ईरानियन मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी का जो मर्डर हुआ था उसका बदला लेने के लिए किए हैं तो एन अब एक्ट के थ्रू इस पे हो रहा है मतलब इन्वेस्टिगेशन अब देखिए मतलब एफ रिपोर्ट मतलब एफ आई लॉन्च हुआ है स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का वो आ, ये सब देख रही है अब देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन इसराइल एम्बेसी में वो एक्सप्लोजन वो हुआ है तो ये मतलब इंटरनेशनली इंडिया का जो ये है ये बदनामी ही होगा क्योंकि एम्बेसी के पास अगर कोई मतलब कोई एक्सप्लोजन कर सक रहा है तो मतलब कि देख सकते हैं कि उसका सिक्योरिटी का कितना बड़ा मतलब लैप्स है ठीक है सिक्योरिटी लैप्स बहुत ज़्यादा है तो इसको देख यही एक न्यूज़ था अब आगे आते हैं आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में क्या है कि वहां पे ना इलेक्शन होने वाला है अच्छा क्वेश्चन फिर से पूछेंगे अच्छा इलेक्शन होने वाला है तो ये बताओ हमको कि इलेक्शन अगर हो रहा है तो इलेक्शन पंचायत और म्युनसिपालिटी का इलेक्शन हो रहा है तो वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा हाँ मीरा बोला स्टेट इलेक्शन कमीशन हाँ और अगर असेंबली का इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है तो हाँ अतूफा बोलो इलेक्शन कमीशन ही करवाएगी कौन सी इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर कोई और हाँ नहीं बोल हाँ बोलो अतूफा क्या बोल रही हो अतूफा स्टेट बोल रहे अच्छा नेहा स्टेट इलेक्शन कमीशन मीरा भारत का इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है याद करोगे याद रखोगे ये तीन आ, मतलब आ, जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी इसका इलेक्शन अगर करवाना है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी लेकिन कोई भी स्टेट असेंबली का करवाना है पार्लियामेंट का है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इन लोगों का इलेक्शन करवाना है तो ये हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है ठीक है ये याद रखोगे जो स्टेट के अंदर पंचायत और म्युनसिपालिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन तो अभी आंध्र प्रदेश में आ, स्टेट इलेक्शन कमीशन ये क्या की है मतलब वहां पे म्युनसिपालिटी का सॉरी पंचायत और हाँ पंचायत और म्युनिसपालिटी का इलेक्शन होने वाला है तो यहाँ पे एक न्यूज आया है ई e वॉच ये क्या बोला मतलब हुआ है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अभी आ, बोला गया वो बोला कि हम एक ई वॉच मोबाइल ऐप यूज करेंगे तो किस लिए तो आ, ग्राम पंचायत का इलेक्शन है तो किस लिए तो वहाँ पे जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी वायलेशन होगा मतलब कोई भी आ, इस ऐप के थ्रू वो उसके बारे में रिपोर्ट कर पाएंगे तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आ, ये पीआई मतलब कोई प्ली भेजा और वो बोला उसका बहुत सारा दलील है वो हम पढ़ेंगे लेकिन हाई वो इसके अगेंस्ट में प्लीवज भेजा कि ये मोबाइल ऐप को नहीं यूज करने देना चाहिए तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इसको स्पेस इस पे स्टे लगा दिए ये मोबाइल ऐप यूज करने के लिए तो हुआ क्या है तो क्यों स्टे कर दिए तो मतलब उसका जो आ, जो डिवीजन बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी तो और भी बहुत सारे जजेस मतलब जस्टिस सी परवीन कुमार ये पिटिशनर का जो बात है उस पर अग्री किए हैं तो इसमें ये बात आया है कि ये ई e वॉच नया मोबाइल ऐप क्यों जब ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सी विजिल ऐप है तो ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं फिर उसके बाद आ, पंचायती राज डिपार्टमेंट जो स्टेट का इस पंचायती राज डिपार्टमेंट है वो नागा ऐप भी सॉरी निगाह ऐप भी यूज uh, डेवलप uh, की है तो उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं ये ई e वॉच नया मोबाइल ऐप क्यों तो फिर उसके बाद इस पे कंसर्न पिटिशनर अपना दलील दिया है कि क्यों वो इस पे इसके अगेंस्ट में बोल रहा है तो पिटिशनर बोला है कि ये जो ई e वॉच है इसके पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है जो कि वो चाहिए होता है नो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो कि एपी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी दो के तहत उस उसको लेना था फिर उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको नहीं इशू किया गया है फिर और भी बोला गया है कि इस ऐप में ये क्लियर नहीं है कि ये ऐप डेवलप कौन किया है इसका कोई सिक्योरिटी फीचर्स जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा उसका प्रोटेक्शन का कोई बात नहीं है तो ये कौन मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा फिर उसके बाद और भी पॉइंट किया है कि जो एपी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है जो नोडल एजेंसी है सिक्योरिटी ऑडिट और कोई भी मैंडेटरी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए वो बोला है कि ये जो है uh, मतलब वो इसको पॉइंट आउट किया है कि इसमें मतलब कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी ऑडिट इसका नहीं हुआ है और ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है तो इसीलिए ई e वॉच जो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये ऐप लाने वाला था इस पे स्टे लगा दिया गया है और वो बोला है कि जो uh, या तो सी विजिल यूज़ करो और या तो जो पंचायती राज डिपार्टमेंट जो निगा ऐप लॉन्च की थी उसको ये करो उसको यूज करो तो ये आंध्र प्रदेश का याद रखोगे ये दोनों इम्पोर्टेंट है सी विजिल निगा ठीक है जो पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट वो आ, डेवलप किए है आगे ये आ, ये मेंस के पॉइंट का बहुत अच्छा आ, न्यूज है ये वाला मेंस के लिए बहुत आ, आता है तो ये आ, क्योंकि अभी आ, जो गवर्नेंस है ना हम लोग का अगर जेपीएससी का जो भी अगर क्लियर कर रहे हो प्री तो एक आ, उसका एक आ, सब्जेक्ट में ही है जैसे आ, फोर पेपर है ना तो उसमें पॉलिटी और गवर्नेंस भी है ठीक है तो गवर्नेंस के लिए ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इसमें क्या है हम लोग ये आते जा रहे हैं मतलब ये हम लोग सुन रहे हैं कि आ, कब से ही गवर्नर के पास वो फिर पूछते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा ये बताओ पार्डनिंग पावर जैसे किसकी किसके पास है गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास है या एक के पास है हाँ तूफा प्रेसिडेंट के पास है मीरा हाँ मैम प्रेसिडेंट के पास आकांक्षा प्रेसिडेंट के पास है मैम हाँ ठीक है पार्डनिंग पावर आ, ये अगर पूरी तरह से अगर किसी आ, जैसे अगर कैपिटल पनिशमेंट मिला है उसको पूरी तरह से आ, पार्डन कर दिए तो ये प्रेसिडेंट के पास है बाकी जो पार्डनिंग पावर जो अलग है जिसमें कि रेमिशन कम्यूटेशन ये सब जो आता है ये गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास है अच्छा किसी को याद है क्या कि आ, कौन सा आर्टिकल है जिससे कि प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर आ, मिलता है उसको हाँ मीरा आर्टिकल सेवेंटी टू और गवर्नर का किसी को याद है वन सिक्सटी वन हाँ वन सिक्सटी वन ये याद करोगे क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का सेवेंटी टू और गवर्नर का वन सिक्सटी वन तो ये न्यूज आया है एक पेरारी वलन है जो कि तीस साल से वो राजीव गांधी का जो नाइनटीन में जैसे राजीव गांधी का जो असासीनेशन हुआ था उसके कंटेक्स्ट में इसको जेल में डाला गया इसका तीस साल हो चुका है और ये क्या है ना ये आ, अपना जो मर्सी पिटिशन वो गवर्नर को दिया था और गवर्नर को वो अच्छा उससे पहले इसका जो इनजस्टिस है वो कैसे कैसे आया है वो पहले बात करते हैं तो इसपे जो चार्जेस लगाया था वो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन तो वो सीबीआई लगाई थी कि, किस लिए तो टेररिस्ट ऑफेंसेस तो उसके ऊपर कौन सा अंडर टेररिस्ट एंड प्रिवेंशन एक्ट टाडा के अगेंस्ट मतलब टाडा के तहत इसको लगाया गया था और ट्रायल कोर्ट इसको अपहेल्ड भी किया था और कंस्पिरेसी के चलते इंडियन पिनल कोड के तहत इसको मतलब मतलब माना था कि ये दोषी है ठीक है तो इसीलिए टाडा के ये में इसको लगा दिया गया मतलब इसको जेल भेज दिया अब आते हैं कि इसको लाइफ इम्प्रजनमेंट मतलब इसको डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके 2014 में इसको लाइफ इम्प्रेजनमेंट दे दिया गया फिर उसके बाद अब आते हैं कि इसका जो कन्विक्शन हुआ है ये कन्विक्शन में ही प्रॉब्लम है अब क्या हुआ है ये पहले भी आया है न्यूज सर भी इलाहाबाद बोले हैं ये क्या हुआ था कि जो पुलिस uh, ऑफिसर जो इसका कन्विक्शन uh, का कन्वे

और वो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर बोले मेरे सामने कन्फेस्ट किया है और मतलब वो रिकॉर्डिंग भी ले जाके अगर दे दे तो उसको एज अ एविडेंस नहीं माना जाता है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बात लिखा हुआ है लेकिन टेररिज्म लेजिस्लेशन में जैसे टाडा और पोटा में अगर पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई कन्फेस्ट किया है ठीक है पुलिस ऑफिसर जिसका ग्रेड मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं होना चाहिए वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रैंक का होना चाहिए लेकिन मतलब वही हम बोल रहे पुलिस ऑफिसर के सामने अगर वो कन्फेस्ट किया है तो एडमिसिबल है लेकिन उस पुलिस ऑफिसर का रैंक कितना होना चाहिए वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल का होना चाहिए उस रैंक का होना चाहिए तो ही एडमिसिबल है लेकिन किसके लिए ये प्रिवेंशन वाले एक्ट के लिए टाडा और पोटा के तहत ठीक है ये दो बात हम बताए फिर क्या मतलब फिर जो बात आ रहा है ये जो पेर, पेरारी वलन है ये कन्फेस्ट किया था जो वी त्यागराजन था उस समय एस पी सी बी आई वो उसके सामने किया था कि हाँ हम मतलब कार का बैटरी लेके आए थे और नाइन वोल्ट का बैटरी भी लेके आए थे और जो जो राजीव गांधी का बॉम्ब बनाया गया था उसमें अब वो बैटरी लेके आया था ये सिर्फ बात बोला लेकिन ये जो बैटरी उसका बॉम्ब बनाने में यूज हुआ नहीं हुआ उसको नहीं पता और ये जो त्यागराजन था ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक uh, एफिडेविट फाइल करके ये बात बोला था कि पेरारी वलम का जो रिकॉर्डिंग जो वो उसके पास था कन्फेशन का उसमें वो कुछ uh, छेड़खानी किया था वो उसमें वो uh, मतलब उसमें कुछ मैनुपुलेशन किया था ठीक है वो कन्फेशन कन्फेशन मैनुपुलेटेड था और वो शायद uh, वो उसके लिए नहीं ले गया था वो सिर्फ बोला और हम उसको मान लिए और ये सब बात कुछ कुछ इस तरह का बात बोला था तो अब ये बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट टाटा का चार्जेस ड्रॉप कर दिया और उसका कन्फेशन जो सिर्फ के वजह से एडमिसिबल था वो टाटा तो चला गया टाडा का वो चार्जेस भी ड्रॉप हो गया टाटा की वजह से जो एडमिसिबल था उसके तहत आईपी IP, आईपीसी ऑफेंस में उसको अभी तक पकड़ के रखा हुआ है अब क्या है अब आते हैं कि ये जो गवर्नर जो पेरारी विलम जो आ, मर्सी पटिशन गवर्नर को दिया तमिलनाडु का गवर्नर को तो ये पहले भी न्यूज हम लोग देखें कि गवर्नर को दिया तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो उसको बोली कि हाँ उसका मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट कर लेने के लिए उस पर साइन कर लेने के लिए लेकिन वो एक बार तो उसको वापस भेज दिया फिर हम लोग को पता है कि अगर दोबारा आए तो उसको वो वापस नहीं भेज सकता उसको साइन करना ही पड़ेगा तो Uh, ये यहाँ पे आर्टिकल भी दिया हुआ है आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन से तो अब आते हैं कि क्या हुआ कि गवर्नर अभी क्या बात आया अभी आया कि uh, अब सेंटर मतलब बहुत अजीब सा बात सेंटर बोली सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 को बोली कि ये जो डिसीजन uh, है जो किसी को पार्टन करने का पेरारी वलम को पार्टन करने का जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है गवर्नर को नहीं है ठीक है तो फिर उसके बाद ये मतलब जिसका कोई होल्ड ही नहीं है फिर उसके बाद जनवरी ट्वेंटी फर्स्ट को फिर सेंटर सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं नहीं ठीक है पेरारी वाले का जो मर्सी पिटिशन है जो आ, उसको ए, कुछ दिन में एक दो दिन में विद इन अ डे विद इन अ मैटर ऑफ डे वो उसको मिल जाएगा पार्डन ये बोल दी लेकिन फेबररी फोर्थ को फिर क्या होता है सेंटर इन्फॉर्म करती है कोर्ट को कि गवर्नर फाइनली कंसिडर किया है पेरारी वाल पार्टन को और अब वो डिसाइड किया है और वही डिसाइड किया गवर्नर ही डिसाइड किया है कि प्रेसिडेंट का ही पावर है कि वो एप्लीकेशन को ऐसा एप्लीकेशन को वो कंसिडर करें तो ये मतलब वही न्यूज़ आया कि ये बहुत शॉकिंग है कि कोई अपना कंस्टिट्यूशनल ड्यूटीज को कैसे मतलब छोड़ के कुछ और ही कर रहा है ठीक है जिसका मतलब ये बोलते हैं ब्लैटेंटली मतलब कि उसका जो ड्यूटी है वो तो नहीं कर रहा है कुछ और ही कर रहा है मतलब देखा जाए तो सेंटर का चापलूसी कर रहा है ये डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये कंस्टिट्यूशनलिटी फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि कंस्टिट्यूशनली गवर्नर को वही काम करना है जो उसको स्टेट गवर्नमेंट एडवाइज करे लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है फिर उसके बाद आते हैं पेरारी वाले बी सी साल का था तीस साल हो गया है और वो वहाँ पे BCA का डिग्री एमसीए का डिग्री इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से ले लिया है फिर उसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट फिर टू व्हीलर मैकेनिक्स मैनेजेरियल स्किल्स न्यूट्रिशन एक्सेट्रा का वो पढ़ पढ़ के फिर वो अपना एक एन अपील फ्रॉम डेथ रो एक बुक लिखा है पेरारी वलम का तो उसमें वो बताया है कि उसका जो बोल रहा है वो कि अगर अल्टीमेटली ये पता चले कि मेरा जो बैटरी खरीदना वो बॉम्ब मेकिंग से कहीं कनेक्शन नहीं था जो हम इतना दिन जो फिजिकली uh, मेंटली जो ट्रॉमा में भी गुजारे हैं उसका हरजाना कौन भरेगा तो यही अब आया है अब आगे देखते हैं तो ये मीन्स का बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि इस तरह का जो uh, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है फिर इस तरह का जो नेग्लिजेंसी हो रहा है तो इसमें कौन जिम्मेदार है ठीक है ठीक है पढ़ना आगे ये सब को ना बहुत अच्छे से पढ़ के ना एटलीस्ट वो दिमाग में रखना कि मतलब सिस्टम मतलब ये गवर्नेंस का फेलियर है ठीक है गवर्नेंस का फेलियर है. आगे एक है मेडिकल बोर्ड ऑफ अबॉर्शन अनफिजिबल तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो टाइम uh, है वो ट्वेंटी फोर वीक्स का ही है ट्वेंटी फोर वीक्स से पहले आप मतलब uh, जो भी है प्रेगनेंसी टर्मिनेट uh, कर सकते हैं लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए मेडिकल टर्मिनेंसी uh, जो प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल है ट्वेंटी ट्वेंटी उसके अकॉर्डिंगली ये है कि कोई uh, उसके लिए एक मेडिकल uh, बोर्ड होगा उस मेडिकल बोर्ड में गायनेकोलॉजिस्ट होंगे रेडियोलॉजिस्ट होंगे जैसे जो सोनोलॉजिस्ट पेडियाट्रटिशियन होंगे और कुछ अदर मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगा तो वैसे लोग होंगे और वो फिर डिसाइड करेगा कि हाँ मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने दिया जाए मतलब उस पर फिर देखा जाएगा कि हाँ बच्चा को खतरा है या फिर माँ को खतरा है तो इसमें आया है कि ये जो बोर्ड बनाने का बात की है मतलब ये आ, इसके आ, इसको बोला गया कि ये जो मेडिकल बोर्ड जो अबॉर्शन के ऊपर बनाने की जो बात आ, आया था जो बिल आया है ये अनफीजिबल है क्यों क्योंकि ये जो बोर्ड है इसमें 84 82 परसेंट से ज्यादा तो हमेशा ही ऑल ओवर द कंट्री 82 परसेंट से ज्यादा इसमें वैकेंसीज़ रहता है एक हाँ तो फिर क्या है ना कि ये जो बोला है कि एट्टी टू परसेंट ऑफ जो पोस्ट है ये तो वेकेंट ही रह रहे हैं फिर ये बोला है कि इसमें अमेंडमेंट्स करके जो बोला गया है कि मेडिकल बोर्ड एवरी स्टेट में होना चाहिए यूनियन टेरिटरीज में होना चाहिए जो डिसाइड करे वो ट्वेंटी फोर वीक्स के बाद का केसेस को फोटल एबनॉर्मेलिटीज़ और ये सब को लेके तो बोला है कि हम बता ही दिए इसमें कौन कौन होने चाहिए तो इसमें एक गाइनकोलॉजिस्ट होना चाहिए कम से कम फिर रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए सो मतलब जो सोनोलॉजिस्ट जो सोनोग्राफी वो सब करते हैं फिर होना चाहिए और जो मेंबर गवर्नर अपॉइंट करें सॉरी गवर्नमेंट अपॉइंट करे तो इसमें वही बात आया है कि बहुत सारा जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया है और जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रूरल हेल्थ सर्वे ये सब प्रोवाइड किया है जो डेटा उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली ये देखा गया है कि आ, जो आ, ये वैकेंसी तो फिल नहीं हो रहा है ऊपर से बहुत सारे जो आ, स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स सिक्किम मिजोरम मणिपुर इन लोगों के पास तो आ, मतलब कुछ पर्सेंट नहीं टोटल एबसेंस ऑफ ऑप्सिट्रीशियन है गायनोकोलॉजिस्ट है जहाँ पे है ही नहीं फिर उसके बाद पेडट्रिशियंस uh, नहीं अरुणाचल प्रदेश मेघालय में हंड्रेड परसेंट शॉर्टेज ऑफ पेडट्रीशियंस है तो ऐसा लोग ऐसा जगह में वो शॉर्टफॉल क्या वो तो अपॉइंट ही नहीं कर सकते तो वही बोला कि ये बेकार है और ये अनफीजिबल है इसका कोई मतलब नहीं है आगे दूसरा अब आते हैं रजिस्टर्ड अनरिकोगनाइज पार्टीज अच्छा ये बताओ उनको कि जो जो पार्टीज जो रजिस्टर करते हैं तो ये कहाँ करते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी हाँ के पास? हाँ ये वही रजिस्टर्ड हाँ आकांक्षा कुछ और बोल रही हो मैम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये अच्छा ये बात बताओ जो जितने रजिस्टर्ड पार्टी है सारे रिकॉगनाइज है ऑबियसली नहीं है ये तो खैर इसमें लिखा ही हुआ है तो इसमें न्यूज क्या आया है ये हम उसका क्रक्स बता दे रहे हैं। इसमें ये न्यूज आया है कि आ, देखा गया है कि लास्ट टेन इयर्स में जो रजिस्टर्ड पार्टीज जो आ, वो डबल हो गए ठीक है चेके? तो इसमें है डेटा कि 2010 में 1112 मतलब 1112 पार्टीज थे जो कि 2019 तक 2301 पार्टीज हो गए जो रजिस्टर्ड है और अनकनाइज है ये बात आ, मतलब ये स्टेट चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर्स वेबसाइट में ये देखा गया है और ये आ, ये बात सामने कौन लाया है तो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये एक है जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के ये आ, बहुत एक्टिव है ये एसोसिएशन तो यही बोला है बोला है कि आ, जितने रजिस्टर्ड जैसे टू थ्री जीरो वन रजिस्टर्ड अनरेकोगनाइज पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी जो 2018 19 जो पब्लिक डोमेन में दिख रहे हैं उनमें से 82 जो सच पार्टीज हैं जो 17-18 में वो जो 3.57 बोल रहे हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का वेबसाइट में वो अपना अपलोड किए थे तो ये बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इसमें अच्छा इसमें क्या है ना इसमें बोला गया है कि इन लोग में से आ, किसी को आइडिया है अच्छा तुम लोगों किसी को आइडिया है क्या कि, कि किस इन जो ये पार्टीज़ है जो रजिस्ट्रेशन करवा ली है ठीक है रजिस्टर्ड हो गए रिकग्नाइज भी नहीं है अनरिकग्नाइज है ठीक है जैसे स्टेट पार्टी नहीं है नेशनल uh, पार्टी नहीं है ठीक है तो इन लोगों को क्या एड हम लोग दे सकते हैं क्या मतलब हम लोग को डोनेशन देना हो तो हम दे सकते हैं क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग देते हैं ना हाँ नेहा बोलो नहीं मैम नहीं दे सकते जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी रहता है उसी को दे सकते हैं इसमें एक क्राइटेरिया है रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड में ये जो रिकॉग्नाइज्ड जो अनरिकॉग्नाइज्ड भी है उन को दे सकते हैं बसरते उन 1% वन परसेंट वोट जो जनरल का जनरल इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन है उन अगर फुलफिल करते हैं तो ये क्राइटेरिया है तो फिर उन लोगों को हम लोग दे सकते हैं तो इसमें बात ये आया है कि इतने सारे पार्टीज हैं जिसमें कुछ आ, जो है वो उनमें से ये बोला गया है कि आ, एक तो इनफ परसेंटेज नहीं है जो रजिस्टर्ड पार्टी है और ये आ, कुछ लोग तो है कि कभी इलेक्शन भी नहीं लड़े हैं ठीक है और आ, क्योंकि रजिस्टर्ड है और लेकिन अनरिकोगनाइज है इस तरह से है और क्या बोला है बोला ये है कि ये जो है इनको कुछ लोगों को जो पार्टीज को जो मिल रहे हैं फंड ये लोग मतलब इलेक्शन कमीशन का क्या है कि उन लोगों को जो फंड्स आएंगे उनको वो बताना है कि हमको इतने फंड आए हैं कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देना है लेकिन ये देखा गया है बहुत सारे आ, ये में जो रजिस्टर्ड अनकग्नाइज पार्टी है जो यूटीज में जो है ये बोले हैं कि इन लोग अपना कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट नहीं देते हैं कुछ ही लोग हैं जो कि कुछ ही परसेंटेज है बहुत कम परसेंटेज है सारा स्टेट में अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है जैसे कि दिल्ली में सिर्फ ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फाइव फिर उसके बाद बाकी सब और भी है इस तरह के जो पार्टीज है वही लोग दिए हुए हैं अपना कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट बाकी लोग नहीं दिए हुए हैं तो यही दिया गया है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों तो इस तरह का रिपोर्ट आया हुआ अब आते हैं गवर्नमेंट अभी पोस्टपोन uh, करने वाली है मन लाइकली टू पोस्टपोन सेंसिसन में पोस्टपोन uh, किया जाएगा तो इसके लिए रीजनस uh, है क्योंकि कोविड नाइन्टीन का जो पेंडेमिक है वो सेफ डील करने के लिए प्लस उसके बाद वैक्सीनेशन uh, जो प्रोग्राम है मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल अभी स्टार्ट हो गया है तो इसके लिए तो बोलते हैं सेंसस जो होता है वो दो फेजेस में होता है पहले तो हाउस का लिस्टिंग होता है फिर हाउसिंग uh, सेंसस होता है मतलब हर एक घर में कितने लोग रहते हैं तो ये अप्रैल टू सितंबर 2020 uh, को ऐसा था कि वो सब होने वाला था और जो भी काउंटिंग था वो फ़रवरी दो में मतलब नाइन से ट्वेंटी तक मतलब एक्सरसाइज ये होने वाला था लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि ये आ, दो बहुत सारे रीजन है एक तो जो क्वेश्चन आ रहा है एनपीआर का नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर है जो बोली कि मतलब अप्रैल वन को बोल दी थी कि हाँ ये होने होगा एनपीआर भी होगा तो उसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो अभी डिस, डिसाइड नहीं हुआ है फिर उसके बाद ये भी बात है कि जो आ, अभी सी ए आया सी ए तो आ, उसके अकॉर्डिंगली जो माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो भाग करके आए हुए हैं उन लोगों को सिटीजनशिप स्टेटस देना है तो उन लोगों को कैसे देना है क्या देना है उन लोगों को मतलब उन लोगों का कुछ भी जैसे कुछ भी फ्रेम नहीं हुआ है कैसे देना है क्या देना है उन लोगों के पास पेपर वर्क क्या चाहिए नहीं चाहिए पेपर वर्क नहीं है तो उन लोग आएंगे नहीं आएंगे उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं हुआ है सब होल्ड पे है तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो सेंसस है उसको डिले किया जाएगा ठीक है अब आते हैं आ, इंडिया इज रेडी टू सप्लाई वेपन सिस्टम इंडियन ओशन री तो इंडिया क्या है ना अभी अच्छा पहले इसके बारे में बोली दे अभी एक एरो इंडिया 2021 हुआ वन कन, हुआ हुआ ये बेंगलुरु यहांका में हुआ ठीक है बेंगलुरु यहांका में तो इसमें इंडिया और साथ मतलब आ, और भी 27 कंट्रीज का मिनिस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड किए थे वर्चुअली तो इसमें क्या है ना कि इंडिया आ, ये बोला है कि हम इंडियन ओशन रीजन में मतलब उसके ऑप्टिमल बेनिफिट के लिए आ, बहुत सारा काम किया है और ऊपर से मतलब आ, ये भी उस उसमें क्या है ना कि उसमें आ, ये जो एरो इंडिया जो प्रोग्राम है इसमें क्या करते हैं ना कि आ, सारा क्या क्या करेंगे मतलब आ, डिफेंस मैन्युफैक्चर जो भी है वो सोकेस करते हैं फिर प्रोडक्ट्स फिर मिलिट्री सिविल एयरफोर्स मतलब जो भी मिसाइल्स uh, है सिस्टम है फिर लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब सारा जो वॉरफेयर्स है इसका uh, मतलब एग्जीबिशन टाइप का लगाते हैं और फिर कोऑपरेशन का बात करते हैं तो यही बोला है मतलब इंडिया ये बोला है कि हम uh, मतलब डेवलप करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मेरी टाइम डोमेन जो आई में और आ, इंडिया पहला रेस्पोंडर होगा कोई भी नेचुरल डिजास्टर का वो, और ये बोला है कि कोई भी ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस या डिजास्टर रिलीफ का ज़रूरत होगा तो उसके लिए इंडिया हर तरह से कोऑर्डिनेट करेगा मतलब कोऑपरेट करेगा और सबसे पहले सामने आएगा तो यही सब बात आया हुआ है ठीक है वो सूर्य किरण एयरक्राफ्ट और सारंग हेलीकॉप्टर डेमोन्स्ट्रेट किया गया ये सब भी है ठीक है इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया का जो डीआरडीओ ऑर्गेनाइज किया था और ये पहला बार है जो हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया तो हाइब्रिड फॉर्मेट में मतलब कि कुछ फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं कुछ uh, uh, मतलब जो एयरक्राफ्ट है और जो भी डिफेंस uh, uh, जो हेलीकॉप्टर्स uh, या कुछ भी है और कुछ वर्चुअल में ठीक है हाइब्रिड फॉर्मेट ये हर दो साल में होता है और इंटरनेशनल मिलिट्री और सिविल एयर शो है ठीक है इसमें आ, इसका मेन फोकस जो बोलते हैं मेन फोकस है इंडियन ओशन रीजन ठीक है region, जो इंडियन ओशन रीजन है वो ओके okay, नेक्स्ट ये सुखो, आ, सुखोई तो सुखोई थर्टी एम एयरक्राफ्ट ये हम लोग रशिया से ले रहे हैं तो रशिया में अभी ये क्या क्या है कि इसमें वन क्राफ्ट जो है उसको ब्रह्मोज मॉडिफिकेशन दिया है तो ब्रह्मोज मॉडिफिकेशन के ये मिला है और क्या है इसमें बोले हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत नासिक प्लांट में जो दो सौ बाईस ठीक है जो हाल है हाल मतलब कि इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बनाया है ठीक है और ये उसी के uh, उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़ है ये उसमें क्या क्या uh, ये किया है तो ये इम्पोर्टेंट uh, बात ये है कि ये हम लोग किससे ले रहे हैं तो ये हम लोग का uh, रशिया के साथ है ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है मतलब कि वो टेक्नोलॉजी दिया है और हम लोग का इंडिया में ये बना है तो ये देखा जाए तो हम लोग का मेक इन इंडिया भी प्रमोट हुआ है इससे ठीक है अब आगे इंडिया डिलीवर्स टू क्रेन्स फॉर चाबाद तो चाहबार में अच्छा चाबार अच्छा चाबार में कौन सा पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं पोर्ट का नाम चाबार पोर्ट तो है लेकिन बेसिकली उस पोर्ट का और भी कुछ नाम है नहीं याद है हाँ दुफा बोलो ग्वादर पोर्ट है क्या ग्वादर पोर्ट तो पाकिस्तान में है ओ अच्छा अच्छा हवाई पोर्ट कहाँ पे है दुफा भूल गया मैं चावर पोर्ट ईरान में ठीक है चाहबार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है वो ईरान में है और उसमें भी जो पर्टिकुलर जो पोर्ट का नाम है वो शहीद बेहिस्टी पोर्ट है ठीक है क्या नाम है शहीद बेहिस्टी पोर्ट तो ये चहाबार पोर्ट हम लोग पहले भी देखे कि चाहबार पोर्ट इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए क्यों क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया का कंट्रीज में जाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है प्लस अफगानिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा वो रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो हम अफगानिस्तान को कुछ भी चीज पहुंचाने के लिए हम लोग को पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था तो अभी पोर्ट अगर हम लोग आ, कर ले तो कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम लोग अफगानिस्तान तक हम लोग जा सकते हैं ये हम लोग बात किए थे आ, पहले भी ये न्यूज आया है तो आ, पाकिस्तान का कहाँ तक तो सॉरी अफगानिस्तान तक कहाँ तक तो जहेदान हम लोग ये सब चावार से हम लोग ये ला सब ऑलरेडी कर चुके हैं अब आते हैं इसमें अभी क्या किया है कि वहां पे जैसे पोर्ट्स में बहुत सारा सामान जाएगा वो सामान को उतारने के लिए चढ़ाने के लिए अभी दो क्रेन चावार में भेजा है इंडिया सिक्स देने का बात है और इसमें ये भी बात है कि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो जो अफगानिस्तान ईरान उज्बेकिस्तान में आ, उस आ, के कंट्रीज के साथ क्वारिलेटरल मीटिंग रखा है ताकि कनेक्टिविटी जो है आ, ये बढ़े ईरान के थ्रू बाकी कंट्रीज में ठीक है तो इसी को लेके न्यूज था अब आते हैं जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन हम लोग पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि जल जीवन मिशन है क्या तो जल जीवन मिशन टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड तो ये अभी जल जीवन मिशन अर्बन अनाउंस किया गया है इस बजट में जिसमें ये बोला गया है कि इसमें जो वाटर बॉडीज है उसको रिजोविनेट किया जाएगा जिसमें कि 20 परसेंट जो सप्लाई जो किया जाएगा वाटर का वो रीयूज वाटर मतलब जो हम लोग का ड्रेनेज वो सबसे वाटर जा, जाता है उसको रीयूज करके फिर वाटर सप्लाई किया जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये बोल मतलब ये बात बोले हैं फिर ये भी बोले हैं कि जो भी एस्टिमेटेड गैप है टू पॉइंट सिक्स एट करोड़ का जो हाउस होल्ड कनेक्शन के लिए है वो uh, जो ये टाउन्स है इसके थ्रू मतलब जो सीवर कनेक्शन है प्लस सैनिटेशन है और क्या है जो ऑलरेडी uh, जो फाइव सिटीज़ है जो कि अटल मिशन ऑफ रिजनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इससे जोड़ करके वो सारा जो भी है वो कंप्लीट किया जाएगा तो इसमें आ, बोला गया है कि ये जो मिशन है जल जीवन मिशन अर्बन में इसमें इंक्लूड हम क्या बोले इंक्लूड किया जाएगा रिज्यूवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज मतलब उन लोगों को फिर से जो भी वाटर बॉडीज है जैसे पॉन्ड्स है लेक्स हैं जो ऑलरेडी डाई डाउन हो गए हैं या फिर कचरा भर गया है तो उसको आ, मतलब फिर से सफाई करके ताकि वहां पे आ, पानी रह सके और रिजर्वायर है अगर वो आ, नहीं है मतलब सिल्टिंग हो गया है तो वो सब को ठीक करके तो ये किया जाएगा और इसमें ये भी बोला गया है कि इससे इन वाटर बॉडीज को ठीक करके जो सस्टेनेबल फ्रेश वाटर सप्लाई जो कि हमेशा चल सके और क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेस मतलब क्या है वाटर बॉडीज अगर रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रीनरी वो ज़्यादा बढ़ेगा मतलब ग्रीनरी रहेगा तो वो सब को फोकस किया गया है और इस बार का सबसे मतलब इस ये जो अर्बन वाला जो आ, इस बार आ, ये किए हैं लॉन्च किए हैं इसमें ये बोले हैं कि री मतलब फोकस क्या है रीसाइकल करना री करना और सीवेज ट्रीटमेंट करना और वाटर बॉडीज को जुविनेट करना और वाटर कंजर्वेशन करना ये सब इम्पोर्टेंट बात है ठीक है तो ये आ, है आगे अब आते हैं ये एक वायनाड का है ये भी एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है तो इसमें क्या है ना कि वायनाड में एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे ना कंप्लेंट्स बहुत आ रहे हैं तो कंप्लेंट्स किसका आ रहा है तो वहाँ पे हेमलेट्स है हेमलेट्स मतलब छोटे छोटा गांव बोल सकते हैं ठीक है एक है चुकाली कुन् और एक आ, कुमीजी पानिया हेमलेट ये दोनों के जो लोग हैं ये उसके लोग कंप्लेन्स कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे रिसॉर्ट्स बने हैं अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके आस में जो फॉरेस्ट है तो वहाँ पे वायनाड में बहुत सारे रिसॉर्ट्स बने हुए हैं वहाँ पे आ, बोल रहे हैं कि करीब थर्टीन प्राइवेट रिसॉर्ट्स है जिसमें कि आ, कुछ जो है जो वहाँ के डेपटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी है तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रिज़ॉर्ट्स है इन अब रिज़ॉर्ट्स है तो वहाँ पे देखा जा रहा है तो वहाँ पे लोग आते हैं पार्टी करते हैं पार्टी करते हैं नॉइज पोल्यूशन करते हैं जैसे वो बड़ा बड़ा म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं प्लस जनरेटर्स वो लोग यूज़ करते हैं तो जनरेटर्स से भी पोल्यूशन होता है प्लस उसके बाद और क्या है वो रिजॉर्ट्स में आकर के पार्टी करते हैं तो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो इससे ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ का जो ट्राइबल सोसाइटी है और वहां का जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक रोड बना हुआ था जो कि सिर्फ मतलब वहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए और वहाँ के जो ट्राइबल पीपल जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए मतलब वो कनेक्टिविटी है सिटी से लेकिन वो क्या है कि ये जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं ये आए दिन देखा जा रहा है कि वहाँ पे एलिफेंट्स और डियर मतलब गाड़ी खड़ा करके वो सब कुछ मतलब वो सब के लिए उन लोग वो उन लोग यूज कर रहे हैं और वहाँ पे क्या है उन लोग जैसे फोटोग्राफी करने के लिए रोक करके वो सब काम कर रहे हैं तो वही बोल रहे हैं कि ये हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स लोग के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है बस उसी को लेके था न्यूज़ अब आते हैं ये शायद लास्ट ही न्यूज़ है नहीं और एक है ये है चौरी चौरा तो अब पूछेंगे क्वेश्चन चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था ये किस मूवमेंट के दौरान हुआ था किस नेशनल मूवमेंट के दौरान हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट हां मीरा बोलो असहयोग आंदोलन हाँ असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान तो इसके चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ही ये गांधी जी वापस ले लिए इसमें कुछ कुछ डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ कुछ और डिटेल्स हैं तो अभी क्या है चौरी चौरा का सौ साल पूरा हुआ जिसके लिए एक पोस्टेज स्टैम्प निकाला जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट किए बोले कि पोस्टेज स्टैम्प का यूपी गवर्नमेंट प्लान की है कि मतलब प्लान की थी तो ऑब्वियसली फोर्थ फेब्रवरी बीत गया ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी 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 ये प्लान की है की थी नहीं की है कि uh, जो सेलिब्रेशन होगा फोर्थ फेब्रवरी 2022 को ऑल uh, ओवर 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट तो चौरी चौरा है कहाँ तो ये uh, चौरी चौरा दो गांव को मिला करके बोला गया ये गांव दो गांव को ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है तो चौरी चौरा का हमको uh, सबको पता है कि असहयोग uh, आंदोलन के दौरान ये जब हो रहा था आ, मतलब इन लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे गोली चला मतलब आ, जो एक पुलिस स्टेशन था तो पुलिस स्टेशन में इन लोग क्या है आ, पत्थर फेंक रहे थे बहुत सारे स्टोन बिल्डिंग कर रहे थे ईटा पत्थर फेंक रहे थे तो वहाँ का आ, जो पुलिस है वो फायरिंग किया लेकिन इन लोगों को ये लग रहा था कि गांधी जी का आ, आ, गांधी जी का इससे वो जो फायरिंग है वो नहीं हम लोग को नहीं लगेगा तो लेकिन वही फायरिंग हुआ जिसमें कि भगवान अहिर सिंह को बुरी तरह वो ये हुआ और आ, मतलब वो मारे गए तो उसमें फिर वो जो मॉब था वो गुस्सा हो करके के वो आ, जो पुलिस थे उन लोगों को दौड़ाए लेकिन उन लोग जाकर के सोचे पुलिस स्टेशन में लॉक हो जाएंगे लेकिन उस इन लोग क्या किए उसमें आग ही लगा दिए तो इसमें करीब बहुत लोग मतलब बाईस लोग बाईस पुलिसमैन बोलते हैं कि वो जिनका डेथ हो गया तो ये आ, इसमें चौरी चौरा जैसे ही इंसिडेंट हुआ ये पता है कि गांधी जी वो वापस ले लिए और क्या हुआ तो इसमें आ, एक वॉलेंटियर ग्रुप आया नियर बाई ग्रुप से जो कि डिसबैंडेड जो चौरी चौरा सपोर्ट फंड था उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको आ, प्राश्चित मतलब जो हम लोग किए हैं वो प्राश्चित फ़ंड के रूप में यूज़ किया गया और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो बारह फेबररी को वो जो सत्याग्रह था उसको फॉर्मली सस्पेंड कर दी ठीक है अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू ये अपना ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी में बोले हैं कि ये बहुत बुरा हुआ जो मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग है और बहुत गु़स्सा का बात है मतलब हम लोग को गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि क्यों सस्पेंड कर दिए सिविल रेजिस्टेंस को जो गांधी जी पूरा नॉन कोऑपरेशन को ही वो सस्पेंड कर दिए बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे तो ये बोले कि ये जब पूरा पोजीशन कॉन्सलैट हो गया था वो इतना अच्छा पोजीशन में थे हम लोग इतना दबाव बना दिए थे तो ये गुस्सा आया लेकिन फिर भी वो ये बात बोले हैं कि हम लोग भले डिसअपॉइंटेड है बहुत गुस्सा में है लेकिन हम लोग मतलब जेल में रह के कुछ भी नहीं कर सकते हैं और गांधी जी का ये बोलना था कि मेरे को कितना भी ह्यूमिलिएशन सहना पड़े कितना भी टॉर्चर सहना पड़े या कितना भी चाहे मेरा जान भी क्यों ना चला जाए चले जाए लेकिन किसी भी मूवमेंट को हम वॉइलेंट नहीं बनने देना चाहते मतलब हम कभी बनने नहीं देंगे तो इस तरह का बात बोले थे तो वही विड्रॉल हो गया तो उसी के ऊपर में ये सारा न्यूज़ है ये पढ़ लेना ये उसमें और भी बहुत सारा बात है ये तुम लोग का हिस्ट्री से रिलेटेड है तो पढ़ लेना अब आ जाते हैं नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म येस टू ग्लोबल कोऑपरेशन तो ये सर ऑलरेडी कल ग्लोबल साउथ का बात बोल ही दिए थे तो ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज़ है जो बहुत अंडर डेवलप्ड है साउथ में जो कंट्रीज हैं तो इसमें ये बात आया है कि बहुत सारे कंट्रीज़ क्या है बहुत सारे जो जैसे एस्ट्राजेनेका है फिजर है इन लोगों का प्रोडक्शन से पहले ही ऑलरेडी जैसे मोडर्ना है ऑलरेडी ही सारे कंट्रीज इनका जो वैक्सीन है ऑलरेडी ही परचेज कर लिए हैं करीब सेवेंटी एट परसेंट ऑफ मॉडर्न ऑलरेडी एडवांस पेमेंट परचेज हो चुका है मतलब अभी बना नहीं है उसका ऑलरेडी सेवेंटी एट परसेंट बिक चुका है तो वही बोला जा रहा है कि ये जो वैक्सीन जो एडवांस कंट्रीज है वो तो पुअर कंट्रीज के तरफ पीट मोड़ करके पूरा जो कोविड नाइन्टीन का वैक्सीन्स है वो खुद ही लेने के चक्कर में है तो इंडिया इसमें एम्पैथी शो किया है और ये बोला है कि नहीं वो पोजीशन लिया है कि हम कुछ सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जो हम आ, कुछ ही परसेंटेज हम एक्सपोर्ट के लिए परमिट करेंगे बाकी एज अ ग्रांट मोड में हम जो दे, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे तो इंडिया आ, ये स्टार्ट किया है हम लोग पहले भी देखे थे शीशेल और कुछ कुछ कंट्रीज में मॉरिशियस कुछ कुछ कंट्रीज में मर्सी डिप्लोमेसी सॉरी वैक्सीन डिप्लोमेसी करके हम लोग आया था मैत्री करके मैत्री डिप्लोमेसी याद है ना वैक्सीन को लेकर के यस yes और नो no? हाँ मैम हाँ तो इसमें वही इंडिया का बात आया है कि इंडिया आ, अपना स्टार्ट किया है और इंडिया ये स्टैंड लिया है कि हम ये कंट्रीज को देंगे इवन वो बहुत सारे कंट्रीज को भेजा भी है ब्राजील को भेजा है टू मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन और ये बोला है कि हम ग्रांट मोड में भी देंगे ठीक है और फिर ये वही सामने आया है कि इंडिया फर्स्ट फेज हेल्थ केयर वर्कर्स को तो दे ही रहा है प्लस उसके बाद जो कंट्रीज़ है उन लोगों को भी वैक्सीन भेजने का काम कर रहा है तो ये बाकी जो कंट्रीज़ है उन लोगों के सामने एक देखा जाए तो एक एग्जाम्पल सेट किया है और बोलते हैं कि इंडिया को हम लोग वर्ल्ड फार्मेसी का भी नाम देते हैं तो वो अपना जो ये बात ये कमिटेड मतलब ये कमिटमेंट शो किया है कि हाँ वर्ल्ड फार्मेसी है और वो दिया है और ये भी बात आया है कि इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है गोल नंबर थ्री इसमें ये बोला है कि सारे कंट्रीज को मतलब सबको ये इंश्योर करना है कि सारे लोग मतलब सभी एज के लोग और सारे लोग हेल्दी लाइफ जिए मतलब ये हम लोग uh, को इंश्योर करना है कि इस और उसको प्रमोट भी करना है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है तो वही बोले कि मतलब उसका बोलना ये है कि अगर कोई एक कंट्री में आ, कोई अगर वैक्सीन ले भी ले रहा है दूसरा कंट्री नहीं ले रहा है तो जो हमारा गोल है वो तो फुलफिल नहीं होगा फिर आते हैं कोवैक्स तो कोवैक्स क्या था तो कोवैक्स ये था ये प्रोग्राम था जिसमें कि फंडिंग के बेस में मतलब फंडिंग करके सारे जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं हाई टू मिडिल इनकम कंट्रीज उन लोगों को आ, ये वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन वही है कि उसका मतलब इनफ फंडिंग नहीं आया था ये प्रोजेक्ट के लिए लेकिन अभी यूएस उसमें ज्वाइन किया है तो देख मतलब एक्सपेक्टेशन उस प्रोजेक्ट से बढ़ गया है कोवैक्स का प्रोजेक्ट से तो अब देखते हैं कि मिडिल इनकम कंपनीज जो है वो वैक्सीन सप्लाई हो पाएगा तो उसको लेकर के ही ये सारा न्यूज़ था अच्छा ये न्यूज़ सारा ख़त्म हुआ किसी को कोई डाउट है इतना दूर में होपफुली नहीं होगा लेकिन फिर भी पूछ ले